आज मैं आपको ये बना के बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपसे एक दिन वादा भी किया था कि अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये है भिंडी आलू मसाला। ये देखिए कितनी खूबसूरत रेसिपी है, तो आपने वीडियो पूरा देखना है, छोड़ के नहीं जाना है। मैंने लिए 1 किलो भिंडी, और ये देखिए इसको ऐसे पानी में भिगा के रखा है, अच्छे से धो लिया है। तो आपने भी ऐसे ज़्यादा पानी में धोना है, उसके बाद आपने ऐसे उठाना है यहाँ से ऐसे, और ऐसे जाली में डाल देना है देखिए, ताकि इसका पानी सारा नचुड़ जाए। भिंडी में पानी रहना नहीं चाहिए, आप किसी बर्तन में फैला के भी रख सकते हैं, इसको सुखा भी सकते हैं। तो पानी नचुड़ने दें आराम से। मैंने आलू छील के पानी के अंदर रखे हैं। आलू लिए हैं मैंने 800 ग्राम, और ये टमाटर भी मैंने पानी में डाल दिए हैं। सारी चीजें पानी में है ताकि अच्छे से साफ हो जाएं। आपको रेसिपी के साथ साथ तरीका भी बताऊंगा कैसे आप जल्दी बना सकते हैं। जब तक भिंडी से पानी निकलेगा, आपने क्या करना है, फटाफट आलू काटना है और आलू को फ्राई करने के लिए चढ़ा देना है, ताकि आप जब तक भिंडी काटेंगे ना, तो आपके आलू भी फ्राई होते रहेंगे। तो ये तरीके होते हैं खाना बनाने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आलू काटता हूँ। आलू आपने काटना कैसे, ये देखिए यहाँ से ऐसे एक का दो किया, उसके बाद ऐसे देखिए ऐसे, और इस तरीके से देखिए ऐसे काट लिया। आप अपनी पसंद से भी कटिंग कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद है वैसे भी कटिंग कर लें, लेकिन ये तरीका सही है। या फिर आप ऐसे काटें, देखिए ऐसे एक का दो किया और ऐसे काट लिया। अब मैं इसी तरीके से सारे आलू काट लूंगा, और मैं आलू काटने के बाद पानी में नहीं डालूंगा। मैंने सभी आलू काट लिए, अब हम क्या करेंगे, आपने सबसे पहले कढ़ाई चढ़ा देना है, और इसको पहले आपने हल्का सा गर्म करना है। कढ़ाई गर्म करना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा ना, इसमें आलू चिपक जाएंगे। जब आपकी कढ़ाई गर्म हो जाएगी, तब आपने इसमें डालना है तेल। तेल बहुत ज्यादा ना डालें, 1 कप डालें, क्योंकि हम इसको ना सैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना है, हमने सैलो फ्राई करना है। जब आपका तेल गर्म हो जाएगा, तब आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है आलू, और यहां से डालें ताकि आप जले ना। इससे क्या होगा, चॉपिंग बोर्ड से तेल ढक जाएगा, तो आपके ऊपर छींटे नहीं आएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का भी आपने ध्यान रखना है। ये देखिए मैंने सभी आलू डाल दिए, और इसको आपने ऐसे चलाना है, और इसको ऐसे छोड़ देना है, और बीच बीच में आपने चलाते रहना है। आपके घर की गैस है तो आपने रखनी है पास। जब तक आलू फ्राई होंगे, तब तक हम क्या करेंगे, फटाफट भिंडी काट लेंगे। अब ये देखिए भिंडी भी थोड़ी थोड़ी सूख गई है, तो आपने ऐसे थोड़ा हल्का सा सुखा लेना है, और आपने एक ऐसा बड़ा बर्तन लेना है, उसके अंदर आपने भिंडी को काटना है। ये देखिए इतना बड़ा काटें, क्योंकि आलू भी हमने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं काटे, तो इतनी बड़ी आपने भिंडी काटना है। इससे छोटी अगर आपको पसंद है तो आप काट सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट साइज है। तो मैं क्या करूँगा, इसी तरीके से सारी भिंडी काट लूँगा, आप भी ऐसे ही काट लें। अब मैंने भिंडी काट ली है, 6-7 बची हैं, 6-7 भिंडी बची हुई हैं, बाकी सब कट गई हैं। और भिंडी काटते काटते आलू भी बहुत ही बढ़िया फ्राई हो चुका है, आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा हुआ है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा सुनहरा कलर आ चुका है, और आलू गल चुके हैं। तो कलर आए ना आए, लेकिन आलू गलना जरूरी है। आप चाहें तो हल्का सा और भी डार्क कलर ले सकते हैं, लेकिन इतना कलर क्या है, बहुत ही प्यारा लगेगा। अब मैं क्या करूँगा, गैस कर दूंगा बंद, और सबसे पहले ये आलू निकाल लूंगा। मैं आलू निकाल के इसमें रखने वाला हूँ, ये देखिए छलनी के अंदर। अगर बाय मिस्टेक इसमें अगर ज़्यादा तेल आ जाए, तो सारा तेल नचुड़ जाएगा, तो आप भी ऐसा ही करें। जब आप आलू निकाल लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, भिंडी फ्राई करने से पहले आपको करके दिखाता हूँ। आपने इसमें डालना है ऑयल थोड़ा सा, और एक्स्ट्रा डालें, उसके बाद आपने इसको ऐसे छानना है। छानना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, ऑयल काला पड़ जाएगा, तो इसलिए आप ऐसे छन्नी मार लें। और तेल हल्का सा गर्म होने के बाद आपने सभी भिंडी एक साथ डाल देनी है, बचानी नहीं है। भिंडी डाल के आपने गैस कर देना है फास्ट, और ऐसे ही देखिए चलाना है, बहुत ज़्यादा तेल में फ्राई ना करें, फास्ट गैस करके ऐसे चलाते रहें, इतने ही तेल में आपने फ्राई कर लेना है। अब ये देखिए हमारी भिंडी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है, आपने कलर नहीं आने का इंतज़ार करना है, बस ऐसे देख लेना कि भिंडी सॉफ्ट हो गई या नहीं। तो ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो गई है, तो आपने भिंडी को भी ऐसे छलनी में रखना है। आलू निकाल के मैंने एक बड़े बर्तन में रख दिए, तो मैं भिंडी को भी ऐसे छलनी में निकालूंगा, आप भी ऐसे ही निकालें।
भिंडी निकालने के बाद आपने क्या करना है, इसको छान लेना है, ऐसे छन्नी मारना है। कढ़ाई धोने की जरूरत नहीं है, हम इसी में बना लेंगे, लेकिन छन्नी मारना जरूरी है। अच्छे से तेल को साफ कर लें। तेल साफ करने के बाद आपने करना क्या है, अगर तेल ज़्यादा है तो थोड़ा सा कम कर लेना है, क्योंकि आलू फ्राई है, भिंडी भी फ्राई है, तो तेल आप कम कर लें। आपने आधे कप के जितना तेल रखना है। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून गार्लिक बारीक कटा हुआ, और 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई अदरक। इनको आपने ऐसे चलाना है और एक बढ़िया कलर ले लेना है, मतलब खुशबू आ जाना चाहिए और हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब हमारे गार्लिक में बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगा प्याज। प्याज को मैंने चॉप किया है और प्याज लिए मैंने 5 मीडियम साइज की। तो आपने भी 4, 5, 6 जितनी भी आपको प्याज चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं, और इसको भी आपने बढ़िया कलर ले लेना है। चलाते रहें, चलाने से क्या होता है, कलर एक जैसा आता है। जब आपकी प्याज में ऐसा हल्का सा कलर आ जाएगा तब आपने क्या करना है, इसमें डालना है हरी मिर्च, कम से कम 8 ऐसे काट के डाल दें। और अब आपने इसको चला के बढ़िया कलर ले लेना है। जब तक इसमें कलर आ रहा ना, तब तक आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए टमाटर मैंने लिए हैं 6 और इनको ऐसा काटा है मोटा मोटा, आपने एकदम बारीक नहीं काटने। और चीज़ क्या दिखानी थी आपने, इसमें से ना थोड़े से टमाटर यानी कि 2 टमाटर ऐसे निकाल लेने। ये टमाटर आपने इसमें डालने हैं, देखिए आलू जो फ्राई करके रखे थे ना हमने, और इसी में डाल देना है भिंडी। वाह, देख रहे ना आप कितना मस्त लगने लगे। और इसमें क्या डालना है आपने, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर इसके अंदर डालें, और 1 टीस्पून जीरा पाउडर। ये देखिए आप इसको ना ऐसे भी खा सकते हैं, मतलब मज़ा आ गया। इसमें आपने अमचूर मिलाना जरूर है और टमाटर। अब ये देखिए हमारी प्याज में बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। अब आपने क्या करना है, टमाटर इसमें डाल देना है जो हमने बचा के रखे थे, और ऐसे आपने चलाया। वाह, ऐसे चलाने के बाद आपने इसमें डालना है 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून देगी मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, और 1 टेबल स्पून नमक। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपने ऐसे चलाना है, देखें। वाह, कलर देखा ना आपने। टमाटर को एकदम अच्छे से गलाना नहीं है, हल्का सा गलाना है। ये देखें जैसे कि मैंने पकाया ना, ऐसा हल्का सा पकाएं। उसके बाद आपने इसमें डाल देना है भिंडी और आलू। ये देखिए उसके बाद आपने गैस करना है एकदम फास्ट, और ये देखिए ऐसे मिलाना है। देखा ना आपने क्या भिंडी बनी, इसका कलर, इसकी खूबसूरती। इसीलिए मैंने आपसे बोला था ना कि मैं आपको ये रेसिपी बना के दिखाऊंगा जरूर, अगर आप कमेंट करेंगे तो। आज मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन रेसिपी बना के बता दी है। अब आपने मुझे कमेंट करके क्या बताना है, ये बताना है कि ये भिंडी आलू किस किस का फेवरेट है। मेरी भी भिंडी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। अगर मुझे भिंडी खाने को मिलती है ना, तो मैं कम से कम 2 रोटी ज़्यादा खा लेता हूँ। तो आपने ये कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। जब आप ऐसे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आपने गैस बंद कर देना है। उसके बाद आपने इसमें डालने हैं धनिए के पत्ते। देखिए अब कितनी खूबसूरत ये देखिए लगने लगी ना। ये मैं आपके मुंह से सुनूंगा, आपने मुझे बताना कि शेफ मजा आ गया।